स्वीकार करो, वो दे ना दे वो तुम्हारा परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे वो तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हें आजाद करे, तुम्हें बांध ले, तुम्हें रख ले, तुम्हें मार दे, अंगीकार करो वो मेरा परमेश्वर, मैं उससे उसको छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगा। वो व्यक्ति इकरार करता रहा, आज उसका बेबी मिरेकल बड़ा हो चुका है, 1 साल का हो चुका है, वो गवाही देके यहां जा चुका है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बेटा है, 14 महीने में वो बेटा मर गया, वो बेटा नहीं बेटी था जो भी था वो मर गया। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैं मसीह में नया था, मेरे को लगता कि जो परमेश्वर बोल रहा है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। अब लेकिन मेरा विश्वास, जो मेरा विश्वास था, जो मेरा प्रेम था परमेश्वर के साथ, वो इतना कमजोर नहीं था कि एक प्रोफेसी खत्म होने से मैं उससे पीछे हट जाऊं परमेश्वर से। मेरे मन में लेकिन ये क्वेश्चन उठा कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो चर्च में आया सिर्फ प्रचार किया गया, प्रीच, क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैं अंधों को दृष्टि पाने का क्या प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं। आमीन। हम छुटकारे के लिए जितनी प्रार्थनाएं देखते हैं बिब्लिकल नहीं है। छुटकारा बाइबल बताती है 100% आपके लाइफ में तब एंटर करता है जब आप सुसमाचार को, प्रचार को अच्छी रीति के साथ सुनना शुरू करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यूट्यूब पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। एक व्यक्ति, मैं छोटा था मसीह में, छोटा मतलब कद मेरा शायद इतना ही था, लेकिन मसीह में नया था। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब मैं उस व्यक्ति से मिला, उसके कोई भी बेबी नहीं था, उसकी मैरिज को कुछ साल हो गए थे, हर बार 3rd महीने में उसका बेबी खराब होता था। एक सेवक आया, उसने उसको देखा, दोनों को बुलाया, प्रेयर की, प्रोफेसी कर दी, भविष्यवाणी कर दी, अगले साल परमेश्वर तुझे बेटा देगा। रुको, अब ध्यान से सुनो। अगला साल चढ़ा, फिर प्रेगनेंसी हुई, 3rd महीने में वो प्रेयर कराने के लिए आए, फिर प्रोफेसी हुई, ये बेटा है, 4th महीने में वो बेटा मर गया, वो बेटा नहीं बेटी था जो भी था वो मर गया। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैं मसीह में नया था, मेरे को लगता था कि जो परमेश्वर बोल रहा है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। अब लेकिन मेरा विश्वास, जो मेरा विश्वास था, जो मेरा प्रेम था परमेश्वर के साथ, वो इतना कमजोर नहीं था कि एक प्रोफेसी खत्म होने से मैं उससे पीछे हट जाऊं परमेश्वर से। मेरे मन में लेकिन ये क्वेश्चन उठा कि ऐसा क्यों हुआ? फिर वो व्यक्ति आया, बोला जी ऐसे हो गया जी, मिसकैरेज हो गया साडा जी। फिर वो क्रिश्चियन था, वो बॉर्न क्रिश्चियन सी, मिसकैरेज हो गया जी। पास्टर फिर आए उसके पास, फिर प्रोफेसी की, अगले साल तेरे को परमेश्वर फिर बेटा देने जा रहे हैं। वो फिर प्रेग्नेंट हुआ, हुई उसकी वाइफ, फिर वो प्रार्थना करवाने के लिए आए, फिर मिसकैरेज हो गया। ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ मेरी आंखों के सामने, और मैं सोचने लग गया कि परमेश्वर झूठा कैसे हो सकता है, परमेश्वर झूठा कैसे। मेरे दिमाग में क्वेश्चन, शैतान आपको बता चला के है या नहीं, वो 1 मिनट से आपके बीच में बताया, अब बता। लेकिन उस बात को मैंने मन से निकाल दिया, मेरे को कोई आंसर नहीं मिला तो मैंने मन से निकाल दिया, लेकिन एक मेरे दिल के कोने में एक अविश्वास बैठ गया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ऐसा नहीं मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया, या मैंने प्रेयर कम कर दिया, मैंने बाइबल कम कर दी। जब ये सेवकाई शुरू हुई, वो व्यक्ति एक दिन मेरे पास आया, कहता अब तक मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ, प्रोफेसी भी प्रोफेसियां हो गई। वो चर्च में आया, उसने वचन सुने, आज उसके पास बेबी है 1 साल के, और कोई प्रोफेसी नहीं थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कोई प्रोफेसी नहीं, लोगों को खुश करने के लिए प्रोफेसियां की जा रही, लेकिन बाइबल में लिखा अगर वो वचन पूरे ना हो तो ये जान लेना कि परमेश्वर का कसूर नहीं, बल्कि भविष्यद्वक्ता ने अपनी आत्मा से तुमको कुछ बोला है। जब मैं इस सेवकाई में खड़ा हूं, परमेश्वर ने कहा लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी, बस तुम्हें वचन देना है। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो अब लूका जब 4:18 में पढ़ते तो लिखा जीसस क्राइस्ट प्रीच डिलीवरेंस, कि यीशु मसीह ने छुटकारे का क्या किया? प्रचार किया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रचार किया। लेकिन अगर हम क्या देखते हैं टीवी पे बड़े बड़े लोगों को करते हुए, छुटकारे के लिए क्या करते हैं वो? प्रार्थना। क्या करते हैं? पर यीशु मसीह ने क्या किया छुटकारे का? बाइबल दो, मैं पढ़ के सुनाता हूं, हिंदी की बाइबल दो। प्रभु का आत्मा मुझ पे है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। क्या करूं? के प्रेयर करूं उनके लिए, के प्रोफेसी करूं उनके लिए। क्या कहता? मैं क्या करूं? प्रचार करूं। जब वो व्यक्ति चर्च में आया तो उसके जीवन में गलती क्या थी कि एक तो
वो कभी सामर्थी व्यक्ति से मिला नहीं, दूसरा उसकी जिंदगी में वचन में बहुत सी कमियां थी। जैसे ही उसने वचन सुनना शुरू किया और ये बोलना शुरू किया, जो भी हम बोलते हैं वचन में कि अंगीकार करो, वो दे ना दे वो तुम्हारा परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे वो तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हें आजाद करे, तुम्हें बांध ले, तुम्हें रख ले, तुम्हें मार दे, अंगीकार करो वो मेरा परमेश्वर, मैं उससे कुछ को छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगा। वो व्यक्ति इकरार करता रहा। आज उसका बेबी मिरेकल बड़ा हो चुका है, 1 साल का हो चुका है, वो गवाही देके यहां जा चुका है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने एक और गवाही सुनी थी गोरी की, जिसको परमेश्वर ने 8-9 मिसकैरेजेस के बाद बेबी दिया था, हाँ या ना? तो अब मेरे समझ में परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि प्रोफेसी लोगों को खुश करने के लिए मत करो, आमीन, ये बताने के लिए मत करो कि मैं कुछ हूं। बाइबल में लिखा, अगर आपका वो वचन पूरा नहीं होता, इसका मतलब वो वचन परमेश्वर की ओर से नहीं था। और जब मैंने नोटिस किया कि जब वो चर्च में आया, सिर्फ प्रचार किया गया, प्रीच, क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैं अंधों को दृष्टि पाने का क्या प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं, आमीन। हम छुटकारे के लिए जितनी प्रार्थनाएं देखते हैं बिब्लिकल नहीं है वो। छुटकारा बाइबल बताती है 100% आपकी लाइफ में तब एंटर करता है जब आप सुसमाचार को, प्रचार को अच्छी रीति के साथ सुनना शुरू करते हैं। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जा शीलों के कुंड में धो, और रास्ते में वो बेचारा निराश हुआ होगा। अगर दो बंदों ने गलत रास्ता समझा दिया होगा, दाएं के बजाय वो बाएं चला गया होगा, तो निराश हो गया होगा कि छोड़ो यार क्या करना है जाके, चलो छोड़ो अपने घर में चलते हैं, अभी मैंने मांगना भी है, अभी मैंने भीख भी मांगनी है, रोटी कैसे खाऊंगा शाम की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, चलो मुझे वापिस आना चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा जैसे ही वो शीलों के कुंड में जाते हैं और अपनी आंखें धोते हैं, लिखा देखता हुआ वापिस आता है। आपको फील हो या ना हो, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको फील हो या ना हो, आपका मिरेकल आपके पास होगा, आपकी चंगाई आपके पास होगी। आपको महसूस हो या ना हो, मैं नहीं कहता कि आप महसूस करके देखो, आपको है विश्वास कि आप ले सकते हैं, मैं नहीं कहता महसूस करके देखो, मैं ये कह रहा हूं वचन पूरा करो, महसूस हो या ना हो, आप गवाही देंगे अगले आप होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।